हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है, और शायद वही दर्द आपको जिंदा रखता है। सलमान बने गॉडफादर, क्या डेजी शाह होने वाली है तेरे नाम टू का हिस्सा? कौन मानता है सलमान खान को भगवान? सतीश कौशिक ने साल 2003 में सलमान खान और भूमिका चावला को लेकर सुपरहिट फिल्म तेरे नाम बनाई थी। इस फिल्म को रिलीज हुए 18 साल हो गए हैं, लेकिन दर्शकों के दिलों में आज भी इसकी खास जगह है। फिल्म की कहानी से लेकर गाने तक आज भी सुने जाते हैं। कई बार दर्शकों की ओर से फिल्म के सीक्वल की भी ख्वाहिशें जाहिर हुई है। इसी कड़ी में सतीश कौशिक ने फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। सतीश कौशिक ने कहा है, फिलहाल थोड़ा इंतजार करें, जल्द ही स्टार कास्ट की जानकारी दी जाएगी। सुनने में आया है कि इस फिल्म के सीक्वल में हमें डेजी शाह भी दिख सकती है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में आने से पहले डेजी ने कई विज्ञापनों में काम किया है। डेजी जब 10वीं क्लास में थी तब उन्हें मिस फोटोजेनिक के नाम से सम्मानित किया गया था। कम उम्र से ही डेजी ने खास मुकाम हासिल कर लिया था। बता दें कि डेजी ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ कई सालों तक असिस्ट किया था। उन्होंने फिल्म जमीन और खाकी में उन्हें असिस्ट किया था। बता दें कि डेजी ने सलमान की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत, फिल्म तेरे नाम के लगन दागी गाने से डेजी ने बतौर बैकग्राउंड डांसर में काम किया था। इसके बाद उन्होंने बतौर एक्ट्रेस अपना करियर साल 2010 में एक्शन फिल्म वंदे मातरम से की थी। डेजी को कन्नड़ फिल्म बॉडीगार्ड से फेम मिला था। वहीं सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें सलमान खान की फिल्म जय हो से मिली। इसे सलमान खान के साथ रेस 3 में भी देख चुके हैं। सलमान खान को जैसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ठीक उसी तरह से उन्हें बॉलीवुड के न्यू कमर्स का गॉडफादर भी पुकारा जाता है। बी टाउन में इस बात से कोई अनजान नहीं है कि सल्लू मियां का हाथ जिसके सिर पर पड़ता है उसकी नैया पार ही लग जाती है। और डेजी शाह की सफलता के पीछे सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ है। आज डेजी शाह सलमान खान की वजह से ही इतनी बड़ी स्टार है, और डेजी शाह सलमान खान को भगवान से कम नहीं मानती है। वो सलमान को काफी ज्यादा इज्जत करती है। हाल ही में डेजी शाह बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ एक इवेंट में दिखाई दे रही। वैसे सलमान के साथ काम करने के बावजूद डेजी का करियर अब तक कुछ खास नहीं रहा है। पिछले कुछ समय से वो फिल्मों से दूर भी है। हालांकि वे सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है, और इसीलिए अब तेरे नाम टू डेजी फिर से दिख सकती है, और इसीलिए हम उन्हें तेरे नाम टू में देखने के लिए भी काफी एक्साइटेड है। और आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं प्रेरणा सोनी लेती हूँ आपसे इजाजत। तब तक हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अपने